सावन के पहले सोमवार को लेकर सुप्रसिद्ध रामेश्वर धाम मंदिर में जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। सावन के महीने में भगवान शिव पर जलार्पण करने की काफी पुरानी परंपरा है। खासकर सावन में सोमवार के दिन भगवान शिव पर जलार्पण करना काफी शुभ और जल्द ही मनोकामना पूरी होने वाला दिन माना जाता है। सैलाब उमड़ पड़ा है, पूरा रामेश्वर धाम मंदिर मनो शिवमय हो गया है। अहले सुबह मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालु की लंबी कतार लग गई और धीरे धीरे कतार बढ़ती चली गई। पूरा मंदिर परिसर केसरिया में के साथ सावनमय हो गया है। महिला पुरुष और बच्चे सभी जलाभिषेक करने को उत्सुक थे। हजारों की तादाद में उमड़ी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा की भी तगड़ी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई थी। बिहार के बाबा धाम के नाम से सुप्रसिद्ध रामेश्वर धाम की काफी मान्यताएं हैं, जो कि शिव भक्त सावन माह में जलाभिषेक करते हैं, भगवान की मन्नतें जरूर पूरी करते हैं। श्रद्धालु भी बताते हैं कि पूजा अर्चना से शांति मिलती है, भगवान हर मुराद पूरी करते हैं। हर हर महादेव व बोल बम के जयघोष से महाराजगंज की वादी गुंजमान हो रही है। सावन में सोमारी का क्या महत्व है? आज श्रद्धालु लोग देख रहे हैं कि शंकर जी के मंदिर में बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है। सोमारी का, सावन का सोमारी बहुत पर्व माना जाता है। जैसे सावन के महीने में सोमारी को भगवान भोलेनाथ कैलाश पर बस उतर के धरती पर विराजमान होते हैं, और सावन का महीना उनके लिए बहुत शुभ और शांति का होता है। सावन महीना एक हम लोग का श्रद्धाजन भक्तों के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है, इसीलिए श्रद्धा का मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए आते हैं। सिर्फ सावन में सोमारी की ज़्यादा महत्व है कि सावन भर का महत्व रहता है? सावन भर का महत्व रहता है, विशेषतः सोमारी बहुत अच्छा शुभ दिन माना जाता है। सावन का सोमारी इससे व्रत करने से मनोकामना भी पूर्ण होती है, जो इच्छा रहती है भगवान भोलेनाथ भी देते हैं। तकरीबन आधा घंटा एक घंटा लगे हैं तो जाके भोला बाबा से दर्शन हो पाया है। बाबा क्या मांगे, बाबा सब चीज जो घटेगा वो बाबा खुद देंगे, बस यही सोच के पूजा कर लिए बस। हमारा नाम सुराजी कुमार।